फ्रेंड, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हुंडई कंपनी की i10 गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें हमारा कस्टमर जी का कंप्लेन क्या है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं मीटर पे EPS करके लाइट आ रहा है। तो EPS लाइट आने की वजह से क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड इसमें, कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है। तो गाड़ी हमारा स्टार्ट करते ही ये स्टीयरिंग जो है एकदम फ्री हो जाना चाहिए, जो कि एकदम हार्ड है। देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ताकत लगा है, घुमाना पड़ रहा है तो भी ये फ्री नहीं है, देखिए। तो फ्रेंड, हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा स्टीयरिंग हार्ड होने का कारण क्या है, इसका मोटर का प्रॉब्लम है या टॉर्क सेंसर का प्रॉब्लम है या मॉड्यूल का प्रॉब्लम है या वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आपको स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, हमने गाड़ी चालू रखा है, गाड़ी चालू करने के बाद भी हमारा स्टीयरिंग एकदम हार्ड है, फ्री नहीं है। तो फ्रेंड, हम आपको चेक करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करके हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और इसका स्टीयरिंग जो हार्ड है उसे फ्री करके कस्टमर को देंगे। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम इसका स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसमें फॉल्ट कोड क्या है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा EPS में जब हम स्कैनिंग के लिए जाते हैं तो हमारा इस जो EPS में वो रीड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा EPS का प्रॉब्लम है। तो हम पहले तो सबसे पहले इसका EPS जो है वो रिप्लेस करेंगे, और EPS रिप्लेस करके उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि हमारा स्कैनर में वो रीड नहीं कर रहा है। देख सकते हैं, ठीक है, तो हम आपको इसका EPS रिप्लेस करके और उसके बाद आपको स्टार्ट करके गाड़ी दिखाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था, स्कैनर में इसका जो EPS का प्रॉब्लम है, EPS का मतलब बोलेगा तो जो मॉडविल आता है, तो मॉडविल हम आपको ओपन करेंगे, ओपन करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कवर निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं, इसके नीचे रहता है, हमने कवर निकाला है, ठीक है। ये इसका, ये देख सकते हैं, ये इसका मॉड्यूल है, EPS मॉड्यूल। तो हम इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देख सकते हैं, इसमें सिर्फ 3 सॉकेट है, ये पहला सॉकेट, ये दूसरा ग्रीन कलर का सॉकेट, इसके पीछे ब्लैक कलर का सॉकेट है, ये मोटर को जाता है डायरेक्ट, ये जो ग्रीन कलर का सॉकेट है इस, ठीक है, ये तीनों सॉकेट ओपन करके, और ये जो 12 का 2 बोल्ट है, एक नीचे एक ऊपर है, उसको हम दोनों बोल्ट को ओपन करके फिर EPS बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये ऊपर एक बोल्ट है, ये वाला 12 का, ठीक है, दोनों बोल्ट हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हम इसको बाहर लेते हैं और बाहर लेकर के फिर आपको दिखाते हैं ओपन करके। तो देख सकते हैं आप, हमने इसके तीनों सॉकेट जो आते हैं ओपन कर दिया है। अब हम इसका बोल्ट जो है ओपन करेंगे। प्रकार से हम ऊपर का भी बोल्ट ओपन करेंगे। काफी अड़चन में फ्रेंड, देख सकते हैं, हमने इसका, ये देख सकते हैं, पावर स्टीयरिंग का जो मॉड्यूल आता है जिसे EPS भी बोला जाता है, उसे हमने बाहर ले लिया है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा जूना वाला है, तो हम नया EPS अरेंज करेंगे और इसमें लगाकर फिट करके फिर आपको दिखाएंगे कि जब हमारा फॉल्ट है स्टीयरिंग हार्ड होने हार्ट का, वो कंप्लेन हमारा सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हुंडई कंपनी की जेन्युइन पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। इसमें हमने न्यू EPS जो है उसको अरेंज किया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड, पूरी तरह से कोटिंग हो गया है, ये इसका न्यू, देखिए ये न्यू पार्ट है,
ये इसका जूना वाला है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे और गाड़ी में फिट करके और सर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो ईपीएस का लाइट आता था वो ऑटोमेटिक जाना चाहिए और गाड़ी का जो स्टीयरिंग हार्ड था वो भी फ्री होना चाहिए। तो फ्रेंड हम ईपीएस फिट करने जा रहे हैं और फिट करके फिर आपको दिखाते हैं। अब फ्रेंड सबसे पहले तो हम इसका सॉकेट लगाएंगे, सॉकेट लगा कर और उसके बाद ऐसे ही चालू करके चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमने देख सकते हैं इसका तीनों सॉकेट लगा दिया है। ठीक है, अब इसका जो बोल्ट है उसको फंसाएंगे। इसमें 12 नंबर के दो बोल्ट रहते हैं फ्रेंड। फ्रेंड हमने इसका ऊपर का बोल्ट टाइट कर दिया, हम नीचे का बोल्ट टाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमने ईपीएस फिट कर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड हमने ईपीएस को फिट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसका बैटरी वायर ओपन किए थे, बैटरी वायर हम लगाएंगे और उसके गाड़ी को स्टार्ट करके और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको ना गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद इसको टर्मिनल को पूरी तरह से साफ कर दीजिएगा। ठीक है, हमने बैटरी वायर भी टाइट कर दिया है, अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा ईपीसी का लाइट अभी मीटर पे सब आ रहा है। अगर हमारा ईपीएस बराबर रहेगा, अगर ईपीएस का ही फॉल्ट रहेगा तो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक ईपीएस का लाइट जाना चाहिए प्रॉपर, अगर हमारा स्टीयरिंग अगर काम कर रहा है तो, क्योंकि ईपीएस का फुल फॉर्म फ्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है। तो हमने उसका मॉड्यूल जो है रिप्लेस कर दिया है। अभी हम आपको गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, देख सकते फ्रेंड, ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा लाइट चला गया। ये देखिए हमारा स्टीयरिंग भी एकदम फ्री हो गया है। ये देखिए, देख सकते फ्रेंड, ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है, हमारा स्टीयरिंग भी एकदम फ्री हो चुका है। देख सकते हैं हमारा जो ईपीएस का कंटिन्यू मीटर पे लाइट आता था वो भी ऑटोमेटिक चला गया है। तो फ्रेंड आज का हमारा वीडियो था ईपीएस रिप्लेस का, और ईपीएस किस कारण की वजह से रिप्लेस किया जाता है, ईपीएस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।